क्योंकि ये मेट्रोपोल फ्लैश वॉल्व है, इसमें फंसा हुआ है, थोड़ा सा जाम है, इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसको खोल के अभी इसका अभी कार्टेज चेंज करके दिखाएंगे कि कैसे खुलती है। हाँ करते हैं इसको। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठोंक के निकाला इसको तो ये निकल गया, ये साबित निकल के आ गया बगैर टूट गया। काय से जा रहा हूँ ये स्क्रीन और लोग बताए थे। ठीक है, हाँ जी बंद करा अब उसको खोलेंगे कैसे बताना, फिर वाल बंद कराना पड़ेगा। इसी वाल बंद करो, इसमें एक वाल्व होता है ना अंदर घुमा के बंद हो जाएगा। अब ये तब बंद नहीं होता अगर उसकी हाउसिंग टूट जाए, अगर प्लास्टिक हाउसिंग होती है इसकी वो टूट जाए तो फिर बंद होता है। ये पूरा घुमा के बंद हो गया ये वॉल्व, अब इसको खोलेंगे और इसके इंटरनल पार्ट्स चेंज करेंगे। इस तरह का पाना आपके पास हो तो बेटर है, इसको खोलने से पहले थोड़ा क्योंकि कई साल से खुला नहीं है तो इसको हल्का हल्का ठोंक के इसको ढीला कर रहे हैं ताकि इसकी जो थ्रेड्स हैं वो ढीली पड़ जाए और आसानी से खुल जाए। ये बहुत संभाल के करने वाला काम है, इसमें हाथ में भी लग सकती है और डैमेज भी हो सकता है प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिए, ये पाना इस तरीके का होना चाहिए, मंकी प्लास लोग खोलने की कोशिश करते हैं नहीं खुलता है बिल्कुल, अब टूट जाता है। ये देखिए अब कितनी आसानी से खुल गया, ये 10 साल के बाद खुल रहा है, कम से कम 10 से 15 साल पुराना प्रोडक्ट है ये। कितना भैया 10-12 साल हो गए ना, 12 साल पुराने के बाद खुल रहा है, लेकिन तब भी देखिए कितनी आसानी से निकल आया। तो अब ये भी फंस जाती है, लोग तोड़ देते हैं इसको, निकाल ही करना पड़ता हाउसिंग। ये हाउसिंग ये बुश है, स्टॉपर बुश, स्टॉपर बुश, ये सिर्फ स्पेस बनाने का काम करता है। इसको हम बहुत प्यार से देखिए आखिर निकाल रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से बराबरी से पुश कर रहे हैं ढीला करते हुए, क्योंकि थोड़ा पहली बार खुल रहा है। अब थोड़ा सा इसको ठोक रहे हैं हम, वो अंदर वाला जो बुश है इसको भी थोड़ा थोड़ा हल्का से ठोक रहे हैं वापस, लेकिन इसको बहुत प्यार से ठोकना है, ये प्लास्टिक का है, ये ज़्यादा ताकत हो बुश डैमेज। हल्के से पानी से ठोके जा रहे थे, साल बाद साबुत निकलना तो हाँ टास्क के ऊपर, अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर साबुत इस वक्त निकल जाए, और अगर नहीं निकलता तो ये बुश अलग से मिलता है। कितने का आता है ये बुश, ये 170 रुपये का, 40 mm का, 40 mm का, 170 रुपये का है बुश, 40 mm का, 170 रुपये का है दोनों आ रहा है। पिस्टन थोड़ा सा महंगा आता है अंदर का, थोड़ा थोड़ा करते हुए जाना है इस तरीके से। अच्छा नहीं, इसको ऐसे फंसा के और चारों ऐसे घुमा दो ना गोल राउंड में पेचकस को, हाँ निकल गया, वेरी गुड, अरे ग्रेट। देखिए 12 साल के बाद भी बुश को साबुत निकाल देना, ये वाकई में एक्सपर्टाइज है, आसान काम नहीं है ये साबुत निकाल देना। कस्टमर के हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बच रहे हैं इसमें, लेकिन ये आना चाहिए हमें, कई बार ये 2-4 साल पुराना प्रोडक्ट हो जाता है उसके बाद भी इस तरीके से फंसा हुआ निकलता है। साइज डेमेज, हाँ चलो निकालो, जोड़ना पड़ेगा पूरा साबुत निकल के आ गया अभी, इसको सिर्फ साफ करके लगा देंगे तो मेरे ख्याल 90% सही हो जाएगा ये। इसलिए तो पूरा सही दिख रहा है, कोई भी खराबी इसके अंदर कोई टूट फूट नहीं है, लोग कई बार बदल देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसको बदलने की, अभी 90% तो मुझे लग रहा है 10% चांस है कि बदलना पड़े, सिर्फ इसके होल जो हैं ये होल्स बदल, होल्स साफ होना चाहिए ये। जल्दी आ रहा है तो ओरिंग, हाँ अगर बल्ब वापस जल्दी आ रहा है, अगर आपने पुश किया और वापस बहुत तेज़ी से वापस आ गया तो फिर ये ओरिंग खराब होती है, फिर ये अलग से नहीं मिलती है, आपको पूरा पिस्टन ही बदलना पड़ेगा उस केस में, ये पूरा पिस्टन अलग से मिल जाएगा। हाँ ये इतना सेट अलग से मिल जाता है, और कंप्लीट असेंबली चाहिए तो कंप्लीट असेंबली मिल जाती है ओरिजिनल देखवा की। इसको अभी साफ करने के लिए हार्पिक वाले पानी में थोड़ा सा हम डाल रहे हैं, तो मैं अपने से बना दो, जोड़ेंगे कैसे यार, जो तुम्हारे से बनाते हैं जोड़ लेंगे। हाँ। अभी इनके जो होल्स होते हैं इनको क्लियर करेंगे टूथब्रश से, एक बार अच्छे से साफ करेंगे। हेलो हेलो, ठीक है आप आइए फिर, ठीक है मैं देखता हूँ अगर मेरा काम हो गया वहाँ का भी।
तो फिर मैं देखता हूँ, बताओ मैं फ़ोन करता हूँ आपको। वही आपके यहाँ का है गूगल धाम का तो वही है लगभग, बता दिया है। अब वहाँ वापस आपके यहीं आऊँगा उधर वाले पे दीपन के लिए। हाँ 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 ठीक है ठीक है। कितने का आता है जब हम इसको असेंबल कर रहा होते हैं, इसकी रॉड पे वाइट ग्रीस आता है, वाइट ग्रीस लगा के लगाएं ताकि उसमें चिकनाहट बनी रहे। इसकी ओरिंग पे भी लगा सकते हैं। और अब इसको फिट करने के लिए जा रहा है, जहाँ पे इसको फिट करना है वन अंदर की बॉडी को भी साफ़ करना रहता है हारपिक से, तो थोड़ा सा इसको टूथब्रश से हारपिक लगा के क्लीन कर दें वहाँ की जो बॉडी है, ताकि ओरिंग अच्छे से बैठ सके। ब्रास की जो बॉडी होती है उसके ऊपर कैल्शियम जमा होता है, तो वो स्टॉपर बुश अंदर बैठ नहीं पाता पूरी तरीके से। ना प्लीज़, मैं अभी क्या है टूर पे हूँ, तो एक व्हाट्सएप डाल के छोड़ दिए, मैं उसको ऑन नहीं रखूँगा अभी। ठीक, ये देखिए, तो हमने इसको हारपिक से अच्छी तरीके साफ कर दिया ब्रश से और इसको वापस लगा दिया। इसके अंदर अभी हमने एक रुपए का भी पार्ट नहीं डाला 12 साल के खुलने के बावजूद भी। सही टूल और सही प्रेशर, सही पावर और स्किल ये चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं स्प्रिंग का काम है, ये स्प्रिंग ही है जो वापस खींचती है, स्प्रिंग नहीं खींचती वापस। स्प्रिंग का काम सिर्फ इसको होल्ड करके रखना है ऊपर की तरफ, अंदर जो वॉशर है उसको गैप बंद करके रखना है। वापस जो आता है पिस्टन, वो अंदर जो हमने देखे थे होल थे चारों तरफ, उस होल से ही वापस आता है। वो होल अगर तब तक साफ़ नहीं होंगे ये वापस नहीं आएगा। आप कितनी स्प्रिंग लगा दें, कितनी मोटी स्प्रिंग लगा लें, आप हाथी से भी खिंचवाएंगे ना तो भी मुश्किल से खिंचेगा वापस आने के लिए, अगर वो होल क्लीन नहीं हो। होल क्लीन होंगे चारों तरफ पिस्टन के, जो चारों तरफ अपर्चर कहते हैं उसको, क्लीन होंगे तो जल्दी वापस आ जाएगा। ये हमने इसको अभी अनलॉक कर दिया, खोल दिया इसका पानी, अभी देखते हैं क्या पोजीशन बन रही है, जरूर पड़ती है कि नहीं पड़ती है इसकी असेंबली बदलने की। अगर ये सही से साफ हो गया होगा तो असेंबली बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है तुम्हारे, इसमें ये अच्छा है कि उसको तरजीह नहीं देता ये, बंद नहीं करता। हो गया बंद, ठीक है। अगर इसको ज़रूरत पड़े, अगर लीकेज ये बंद नहीं हो तो इसको बदला जा सकता है। ग्रिप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है जब कसते हैं ना अपन, तो ये अगर एक साइड भगती है ना तो बटन में टकराती है, तो इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा पहले इसको साफ कर लें केमिकल से या हारपिक से, सिर्फ ग्रिप पे लगे ताकि बाहर ना लगे, नहीं तो काला पड़ जाएगा ये। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हारपिक अगर फ्रेश पार्ट पे लगेगा तो काला पड़ जाएगा। इसको जब कसते हैं आप, इसको जब कसें बिल्कुल सीधा कसें, अगर तिरछा कसेगा तो ये बटन में टकराएगा, वो बटन फंसता है फिर उसके अंदर। चला के देख लें एक बार, इसको सीधा कसना चाहिए, थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो बटन बिल्कुल चिपक के आता है इसके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुमने बताई है, ज़्यादातर लोग शायद ध्यान नहीं देते होंगे। कई बार कंप्लेंट आती है सही लगते हैं, तो हाँ हमने पूरा कर दिया और तो जब कस देते हैं तब आगे लीकेज होने लग जाता है, तो पूरा बदलना पड़ेगा। जिसमें डबल बटन आते हैं, जिस मेट्रोपोल में डबल बटन आते हैं उसमें डबल स्प्रिंग होती है, तो दो स्प्रिंग क्या होती हैं कि वो आपस में रच जाती हैं, तो इनके यहाँ पे रच जाती है वो स्प्रिंग, या इसमें बटन के अंदर इधर ही फंस जाती है, तो वो स्प्रिंग डबल वाली जिसमें लगाते हैं थोड़ा सा वो ध्यान देना रहता है, उसको ध्यान से लगाना चाहिए, वो आपस में उलझे नहीं, इसी के अंदर फंस जाती है वो लॉक के अंदर। अब एक दूसरे सही तरीके से लगाएंगे तो एक दूसरे में फंसेगी नहीं और कंप्लेंट ये नहीं रहेगी, फंस जाता है अटक जाता है। आई थिंक इट्स कंप्लीट ना, ये कंप्लीट हो गया हमारा मेट्रोपोल। थैंक यू। अभी ये जो स्लीव है, देखिए पहले जो आती थी ये स्लीव थ्रेड वाली आती थी, अब कई जगह पे क्या होता है ये थ्रेड वाली स्लीव
अब आनी बंद हो गई है कंपनी ने, इसकी जगह पे दोनों तरफ इसमें हुक बने हुए हैं इस तरफ लेफ्ट और राइट में ना, वो स्क्रू से कसना होता है, तो थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो अभी इसमें देखिए हम काम कर रहे हैं, ये इसको कैसे लगा सकते हैं होल वाली थ्री स्क्रू वाली स्लीव, वो बता रहे हैं। इसमें थ्रेड नहीं आएगी, साइड में स्क्रू होंगे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में, वो स्क्रू पे आपको कसना होगा। होल बचे हुए सभी बॉडीज़ में हमेशा से आते हैं, ये होल इस काम आते थे कि इसके ऊपर प्लास्टिक कवर आता है जब तक ये टाइट नहीं लगते हैं उस वक्त तक के ढांकने के लिए, ताकि डस्ट वगैरह जो है अंदर पार्ट्स के अंदर नहीं लगे, सीमेंट नहीं लगे, उस स्लीव को बाद निकाल के फेंक दिया जाता है कवर को, ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक पार्ट आता है उसके लिए ये होल हमेशा से बने हुए आते थे। उन स्क्रू के ऊपर ये खुल जाएगा, इस तरीके से इसको खोलना पड़ेगा। ये होल है ना सेंटर, ये देखिए ये होल दिख रहा है अभी, चलेगी ये बहुत अच्छा, ये देखिए दिखने लग गया अभी। वेट, इसमें स्क्रू नहीं लगा होगा ना, लेकिन अभी अभी लगा नहीं है, उसको स्लीव के साथ नहीं आ रहा है, दो इसको वेरी गुड। ये हॉल में थोड़ा सा अंदर सीमेंट था, इसको भी अंदर हमने क्लियर करके दिखा रहा है, वेरी गुड। मशीन स्क्रू कसाएगा, हाँ ये मशीन स्क्रू इस तरीके से ये की होल करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा हम पतला स्क्रू लेकर के, या हो सकता है पतली कील लेकर के आप ठोक सकते हैं उस तरीके से ना, ताकि होल क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आप इतना बड़ा मत लगाइए, इतना मोटा स्क्रू कि वो थ्रेड में जाके टकराए और थ्रेड को ख़राब कर दे, थ्रेड को फेल कर दे, तो पूरा क्लियर हो गया अभी ये, ठीक है। इसमें ये स्क्रू घस जाएगा इस तरीके से, सेम इस तरफ भी होगा, ये यहाँ दिख रहा है ये, तो दोनों तरफ क्लीन कर देंगे आप, तो ये स्लीव जो आती थी अभी थ्रेड वाली, अब नई वाली में जो है दोनों तरफ होल बने हुए आएंगे, उसको कस देंगे। कुछ और क्या आसे कुछ और पता नहीं इसमें, है ना, ठीक है। तो ये होल इस तरह से खोल के हम नई स्लीव इसको लगा सकते हैं। थैंक यू। ये हम इसमें बता रहे हैं कि पानी जब यहाँ से आ रहा है, कई बार होता है कि ये रॉड से सरक के पानी आता है और यहाँ से टपकता रहता है बाहर इस जगह से, यहाँ से कई बार टपकता रहता है इस जगह से और दीवार से सरक के पानी आता है, तो ये आपको स्लीप बदलनी है। कैसे बदलनी है, इसी पे दिखा दें बिना बिना वो चेंज करें, नहीं इसी को खोल के दिखा दूँ सबसे पहले लॉक हटाएंगे अपन, अब ये स्प्रिंग हटाने का, चाहें तो आप चकनट लगा रहे बॉडी के अंदर, पानी के लिए बंद कर दें। अब क्या करेंगे अपन, एक नोज प्लायर की मदद से इसके लिए इसके अंदर ये ग्रिप फंसाएंगे और इसको घुमाएंगे, ये खुल जाएगा। ये जब पुराना होता है थोड़ा सा हार्ड खुलता है, टूट भी जाता है खोलने में, लेकिन अगर टूल सही है तो वो भी खुल जाएगा। पहले हार्ड पिक से बेला लें उसको, अब इसको पहले राड को थोड़ा अंदर धकाएँ और ये पकड़ के खींचेंगे तो वो उसमें पकड़ के आ जाता है साथ बाहर। ये अगर अगर ये वाशर को उठाएँ और बदल दें, ये वाशर दूसरा मिल जाता है 2-10 रुपये के आसपास का रेट है इसका, ठीक है। ये आप इसका इस केस में आपको पूरी असेंबली बदलने की ज़रूरत नहीं है, 1500 रुपये की इसे अच्छा से वाशर लगाएं तो ये ध्यान रखें कि ये जो थोड़ा सा कर दिया वो दिख रहा है, तो ये जो ग्रिप होती है ये वाली ये अंदर जाएगी, रिपेलिंग वाला हिस्सा होता है ये बाहर रहेगा, इस तरह नाली बनी हुई है वो अंदर जाएगी, नाली ऐसी बनी हुई है जो इसमें नाली बनी है ये अंदर जाएगी। बैटरी नहीं बची हमारे मोबाइल में, बैटरी नहीं बची भाई, ठीक है। इसको इस तरह से फिट करेंगे और इसको ग्रीस लगा के लगाएं, ग्रीस नहीं है तो सिलिकॉन लगा, यहाँ पे ग्रीसिंग लगा दी, नया है इसलिए सिलिकॉन ग्रीस लगाएं या फिर वैसलीन, ये आप लगा करके और इसके नोज प्लायर से बस से कर दें, ये पानी आना बंद हो जाएगा, पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।